एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज फिर मेकअप लुक के साथ आ गई हूँ। फिर बोल ऐसे रही हूँ जैसे मैं रोज़ डालती हूँ, काफ़ी दिनों बाद मेकअप लुक आ गया। तो मैंने फाउंडेशन सबसे पहले लगा ली थी, तो मैं अब कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ। एंड इस मेकअप लुक में मेरा एक बहुत बड़ा मैंने इसमें ब्लंडर किया है, वो आपको आगे जाकर नज़र आएगा। तो बाकी तो ये मेकअप लुक बड़ा अच्छा था, बट वो जो हुआ है ना मेरे साथ है अल्लाह। तो उसके बाद मैं कंट्रोलिंग कर रही हूँ अपने चिक की, नोज़ की और डबल चिन की जो है मेरी थोड़ी बहुत। तो वो करने के बाद मैं स्पीड तेज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत ही स्लो लग रही है करने। उसके बाद मैंने ब्राउन्ज़र किया, ब्राउन्ज़र यूज़ किया अपने फेस पे एंड अच्छे से मैं कर रही हूँ उसको यूज़। जहाँ जहाँ पर मैंने कंट्रोलिंग स्टिक से कंट्रोल किया था वहाँ वहाँ पर मैं ब्राउन्ज़र लगा रही हूँ। वहाँ पे कैमरा मेरा बड़ा हिल रहा था, मैं कट करने की कोशिश कर रही हूँ। कभी लाइट कभी कैमरा, कभी लाइट कभी कैमरा। उसके बाद आज पता नहीं मुझे क्यों इतनी गर्मी लग रही है। अच्छा, उसके बाद जो सा है अब हम करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे ब्लश। तो मैंने पिंक और पीच कलर को मिक्स करके अपने फेस पर लगाया था, ये अपना ही एक कलर निकला था। तो मैंने आज मिक्स करके ब्लश लगाया है और यहाँ पर लगा ही जा रही हूँ, रुक ही नहीं रही, इतना ज़्यादा मैंने ब्लश लगा लिया था। उसके बाद बारी थी आईज की। सबसे पहले मैंने अपने आईज पर यूज़ किया लाइट पिंक एंड ये देखिए। अच्छा, तो सबसे पहला ब्लंडर ये था कि मैंने आईज़ का मेकअप करते हुए मेरी काफ़ी क्लिप्स रह गई थी, तो आपको थोड़ा बहुत ही नज़र आएगा। एंड दूसरा आपको आगे जाकर बता देगा, वो मैं पहले नहीं बताने वाली हूँ। यहाँ पर लाइट ज़्यादा हो गई है, पर कम हो रही है, कब ज़्यादा हो रही है, कब कम हो रही है। जब पिंक कलर से अपनी क्रीज बना लूँगी उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, पहले तुम क्या करने वाली हो। काशी की पैलेट में से मैं लिया ये पर्पल पिंक काइंड ऑफ शेड है। अच्छा, तो यहाँ पे ये था ब्लंडर। तो मैं आई लैशेज लगाते लगाते मैंने आई लैशेज ग्लू भी ऊपर लगा दी और फिर उसके बाद मैंने जैसे कैसे करके बचा लिया। तो यहाँ पे ये जो मैंने अपनी आँख बचाई थी ये उसी की खुशी थी, आप देख सकते हैं, क्योंकि मेकअप बहुत अच्छा हुआ था और वो ग्लू लग गई और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी आईज के मेकअप को बचा सकती हूँ। लेकिन बचाने के बाद आप देख ही रहे हैं कितनी खुश हो रही। उसके बाद मैंने और ब्लश लगाया। ब्लश पे तो आज मेरा हाथ बैठ ही गया था, रुकी नहीं थी रही मैं ब्लश लगा लगा के लगा लगा के। ये देखिए, ये बस खुशी है अपनी आँखें बचाने की। उसके बाद बारी थी हाइलाइटर की। सो मैंने रोज़ गोल्ड कलर का हाइलाइटर लगाया। हाइलाइटर लगाते वक्त मैं आँखें चौंखें फेरती हूँ। यहाँ पे वो ही मिली कैमरे की हालत रुक जाता है बीच में। ये देखिए कैसी कैसी हरकतें कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने लगाए हुए थे साथ गाने, मैं सारे गाने गा रही थी साथ, तो फिर ये मैं ऐसे ऐसी हरकतें कर रही थी। यूजुअली मैं कट कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा आज ये लगाऊंगी मैं बीच में। तो उसके बाद जो सा मैंने अपनी आईब्रोज बनाई एंड उसके बाद लास्ट था जो वो था बारी की लिपस्टिक की। तो मैंने एक पर्पल टाइप न्यूड पर्पल टाइप शेड जो सा था वो यूज़ किया अपने लिप्स को आउटलाइनिंग करने के लिए। तो मैं अच्छे से आउटलाइनिंग कर रही हूँ एंड यहाँ पर मेरी आँखें नीचे हुई हुई हैं, तो आँखें बड़ी प्यारी लग रही हैं। मैं अभी एडिटिंग में देख रही हूँ कि बाद कितनी लगाओगी। तो उसके बाद मैंने वही जो लिप जिससे मैं आउटलाइनिंग करी थी वही सारा यूज़ किया। यहाँ पे मेरे बाल थोड़े से अजीब लग गए, बट आप बालों का ना देखिए, मेरे मेकअप को देखिए, मेरा मेकअप कितना अच्छा हुआ क्योंकि मेरे थोड़े से बाल घिसे हुए थे, तो इसलिए ऐसे लग रहे हैं। लेकिन हाँ, टू गेट माई मेकअप।